नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम बात करेंगे सीनियर सेकेंडरी के एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, मतलब बाल्य देखभाल और शिक्षा के बारे में। और उसके अंतर्गत जो हम लोग चर्चा का विषय ले रहे हैं वो है हमारे पाठ्यक्रम का लेसन नंबर 21 और इंक्लूजन, उसका कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस, किस तरह से हम लोग उसको समझेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस किस तरह से करी जाती है, वो एजुकेशन के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन क्या क्या टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, तो देखिए हम लोग आज होने को तो स्ट्रैटेजी दे रहा नंबर ऑफ, मगर हम लोग जो बात करेंगे वो है आपका डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, कोऑपरेटिव टीचिंग एज ए लर्निंग स्ट्रैटेजी, कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, देन द असेसमेंट। तो एक एक करके हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दैट इज अ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। व्हाट यू मीन बाय डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन? जैसे देखिए कई चीज़ें ऐसा है कि जैसा नाम है, नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो हम उसमें क्या करने वाले हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस किसके लिए, इंडिविजुअलाइज्ड जो आपका है, जैसा जैसे एक बच्चे की नीड है, जैसे बच्चे की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से अलग अलग जो है वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शनल जो है वो प्लान होनी चाहिए। बिल्कुल, तो इसे हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर यंग चिल्ड्रन। इंडिविजुअलाइज्ड मतलब कि जैसा इंडिविजुअल की नीड है उसी तरह से हम लोग प्लानिंग करेंगे। और नो डाउट कि टीचर के लिए हर वक्त पॉसिबल नहीं है कि वो हमेशा हर एक एक बच्चे में, क्योंकि क्लास में 30 अगर बच्चे हैं, हम लोग मान के चलते हैं रेशो के हिसाब से, तो 30 बच्चों के लिए वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस नहीं लगाएगा। बट इट मीन्स कि वो एक ऐसी कॉमन इंस्ट्रक्शंस लगाएगा जिसमें वो सारे 30 बच्चों को ध्यान में रखेगा, और उसके बाद जो एक गैप रह जाएगा पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल में, उस गैप को फिल करने के लिए, जिसे हम लोग रेमेडियल भी कह सकते हैं, तो वो रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंडिविजुअल नीड के हिसाब से वहाँ पे फिल करेगा, जस्ट टू ब्रिज द गैप। तो हुआ क्या, ओवरऑल उन्होंने पूरा एक मेथड करा, फिर उसके बाद जब उन्हें, क्योंकि 30 एक क्लास के टीचर को बड़े अच्छे से पता होता है कि मेरे 30 बच्चों में क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं, तो वो उन खूबियों को रख के और उन कमियों को रख के वो अपना इंस्ट्रक्शनल प्लान करता है। उसके बाद जो एक गैप जिस इंडिविजुअल के साथ रह जाता है, उस गैप को फिल करने के लिए वो वहाँ पर इंडिविजुअलाइज्ड एक ब्रिज जो है वो वहाँ पर करेगा। इसी में आ सकता है कि प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट एज पर द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड। अब जैसे हम बात करते हैं कि कोई, आप लोग जैसे हम हैं, तो हम लोग कभी फिश से ये तो नहीं करते, मछली से हम ये तो नहीं आशा करेंगे कि वो उड़ने लग जाएगी, और ना ही हम लोग हाथी से ये आशा करेंगे कि वो पेड़ पे चढ़ने लग जाएगा। तो हम लोग जो है, जिसकी जो खूबी है, भैया अगर मछली पानी में तैर सकती है तो उसकी खूबी है कि वो पानी में तैर सकती है, तो उसको वो वाला एनवायरनमेंट दिया जाए, उस एनवायरनमेंट में उसको जो है वो हम लोग और इनरिच करें। सिमिलरली जिसकी जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में जो उसका एक्सपीरियंस है, उसको बेस बना के जो है वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज द डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल, यहाँ पे मैम कोऑपरेटिव टीचिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कोऑपरेटिव टीचिंग के बारे में। देखिए कोऑपरेटिव टीचिंग एक बहुत ही हेल्पफुल ये स्ट्रैटेजी बच्चों में जो है ये कारगर होती है, क्योंकि जब हम कोऑपरेट का बात करते हैं तो मिलजुल कर काम करने पे हम फोकस करते हैं। और इसमें क्या है, अगर हम बड़े ही टेक्निकल शब्द टर्म्स में अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव टीचिंग में एक शिक्षिका जो है वो बच्चों में छोटे छोटे टास्क असाइन कर देती हैं, छोटे छोटे, एक बड़े टास्क को टुकड़ों में बांट दिया गया और वो छोटे छोटे टास्क उन्हें वो दे दिए, तो वो कोऑपरेटिव टीचिंग में बच्चे आपस में मिलजुल कर एक किसी प्रोजेक्ट को या एक किसी भी टास्क को पूरा करते हैं। इससे क्या होता है कि उनके अंदर एक या फीलिंग भी आती है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हमने एक टास्क कंप्लीट किया, तो द फीलिंग ऑफ टास्क कंप्लीशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कोऑपरेटिव टीचिंग कह रहे हैं कि मोर देन वन चाइल्ड वर्किंग टुगेदर ऑन वन प्रोजेक्ट और वन असाइनमेंट, बिल्कुल, कि एक से ज्यादा बच्चे कोऑपरेटिव, जहां पे आ गया कि कोऑपरेशन करके, बिल्कुल, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। जी हां जी हां, बिल्कुल कोऑपरेट करके आगे बढ़ रहे हैं। और इसी का एक हम दूसरा जो हम यूज करते हैं, जो बहुत बार हम
एक कह सकते हैं कि समानांतर रूप में यूज कर लेते हैं कोलैबोरेटिव टीचिंग। तो लेकिन हमें यह समझना है कि कोऑपरेटिव टीचिंग अलग है, कोलैबोरेटिव टीचिंग अलग है। बहुत एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में आप नहीं देख सकते, परंतु कोलैबोरेटिव टीचिंग का जो ये जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया है ये आपकी सोशल लर्निंग थ्योरीज से आई हुई है। सोशल लर्निंग थ्योरीज जिसमें कि बच्चों जब बच्चे एक साथ मिल बैठ कर काम करते हैं, एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो उनमें एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे के डिफरेंसेस को समावेश करने की क्षमता बढ़ती है। ये उनके सोशल स्किल्स को बढ़ाता है, जिसमें कि बंडूरा और वाइगोत्स्की ने इस पे बहुत काम किया हुआ है। उन्हीं का ये दिया हुआ है कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी, जो कि बच्चे खुद से इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हम सब एक नहीं हैं, हमारी क्षमताएँ अलग अलग हैं, तो जो जिसमें सक्षम है उसे वह टास्क दिया जाए, जो दूसरे चीज़ में सक्षम है उसे तीसरी टास्क दी जाए। तो इस तरह से मिलकर हम लोग इसे बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपने कंक्लूड कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव टीचिंग और कोलैबोरेटिंग टीचिंग दो जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें मेन ये हो गया कि कोऑपरेटिव तो अपना हम लोग अपने मन से एक दूसरे को कोऑपरेशन कर रहे हैं, जबकि कोलैबोरेशन में आप जो है वो असाइंड काम, एक आपको बड़ा काम दिया गया है जिसके छोटे 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 काम जो कोऑपरेटिव में छोटे छोटे काम में जो एक टीचर असाइन करती है टास्क को, और कोलैबोरेटिव टीचिंग में हम आपस में मिलकर कोलैबोरेट करते हैं खुद से ही। ये स्वायत्त होता है, ये अंदर से फीलिंग आती है, ये बच्चे खुद ही समझते हैं दैट वी रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस और छोटे छोटे को असेंबल करके फिर जो हमारा एक काम जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता होगा, जो भी एम होगा उस टीचिंग का, उस एक्टिविटी का, दैट द ऑल टीच स्टूडेंट विल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोलैबोरेटिव टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में, एवरीडे क्लासरूम टीचिंग के प्रैक्टिसेस में इसे इन्वॉल्व करना एक टीचर के लिए, क्योंकि टीचर जब कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती हैं तो वो बच्चों में एक इस तरह की फीलिंग को परकुलेट कराती हैं, या बच्चे यह फील करते हैं कि हम सब जो है मिलकर एक अच्छा टास्क, एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव काम को पूरा कर सकते हैं, और वी एक्चुअली सेलिब्रेट डाइवर्सिटी रिस्पेक्टिंग दी डिफरेंसेस, कि हम सब अलग हैं। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव टीचिंग, दैट वी एंगेज एंड दैट वी बिल्कुल, इट एक्चुअली मेक्स द डाइवर्सिटी ऑफ ईच एंड एवरीवन एंड इट मेक्स द इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस वेरी वेरी सक्सेसफुल। ये इसको पूर्ण करता है, ये बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव टीचिंग की, देखिए ये तो एक तो सबके सब बच्चे जो है उनको क्लासरूम एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करा रहे, क्योंकि सभी बच्चे काम कर रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो दैट्स वाई एक्टिवली एंगेज इन क्लासरूम एक्टिविटीज, और क्योंकि वो सब लोग ही कर रहे होते हैं और अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, तो इट एट्रिक्लूड थॉट प्रोसेस जो आपका है कि बहुत फ्रीली वो सोच पाते हैं। इसी तरह से वो साथ साथ में क्योंकि काम कर रहे हैं तो टीचर भी वहाँ पे है, उनका पीयर ग्रुप भी वहाँ पे है जो उनके साथ असिस्ट कर रहे हैं, तो दे रिसीव कंफर्मिंग एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जी हाँ, क्योंकि एज वेल एज दे एंजॉय, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज दे एंजॉय एंड दे एनहांस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल स्किल, सोशल स्किल की वो अप्रिशिएट करना सीखते हैं दूसरों को, वो जो भी उसके कल्चर है, नेचर है, जो भी है, तो वी अप्रिशिएट अदर्स, तो इसकी वजह से जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो भी वहाँ पे स्किल डेवलप होती है, और क्योंकि सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ ए सेल्फ एस्टीम, तो सेल्फ एस्टीम भी वहाँ अच्छे से जो कि बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा सेल्फ एस्टीम सही से नहीं आता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं आप बन पाता है। जी हाँ, मैंने बताया ना टास्क कम्प्लीशन की फीलिंग आपके सेल्फ स्टीम को बूस्ट करता है, उसे बढ़ाता है, उसे स्ट्रेंथन करता है, तो बच्चों में ये फीलिंग जाना कि यस आई कैन ऑल्सो डू दिस टास्क, यह भी मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ इसको करने में, इस तरह की फीलिंग, इस तरह का भाव, मनोभाव अंदर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाने के लिए। और वहाँ पर जैसे ये कोऑपरेटिव टीचिंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, इस तरह के काम को और इस तरह के टास्क को जब एक शिक्षिका असाइन करती है तो उन्हें असेस करने में भी सुविधा होती है कि हम किस पैरामीटर पे, किस एक बेंचमार्क पे, बेंचमार्क ना भी कहें, किस पैरामीटर पे हम बच्चों को
असेस कर रहे हैं, क्योंकि आप रैंडम असेस तो नहीं कर सकती हैं, आप बच्चों को किसी एक पैरामीटर देंगी जिस पे बच्चा जो है असेस करेगा, जिसमें वह उस कार्य को पूर्ण रूप से करने में सक्षम है। मानिए अगर मैं अगर बोलूँ कि एक लर्निंग डिजेबिलिटी का ही बच्चा है, स्लो लर्नर ही है, तो आप उसे एक लंबा चौड़ा ऐसे लिखने नहीं दे देंगे, आप उसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर दे दें, आप उसे वन लाइनर दे दें, आप उसे फिल इन द गैप दे दें, तो आप इस तरह की छोटे छोटे वर्कशीट्स कुछ इस तरह से बच्चों को दें कि वह उसे पूरा कर सके, और पूरा करने के बाद बच्चे के अंदर इस चीज की फीलिंग आए दैट यस आई कैन आल्सो डू इट। बिल्कुल राइट, क्योंकि दिस फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसको राइटिंग स्लो राइटिंग है तो ठीक है, हम लोग उसको उतना लेंथी ना पूछ के उसको थोड़ा शॉर्टकट में पूछ लेंगे। बिल्कुल। तो और वो जब ग्रुप में काम कर रहा होता है तो जो जिस काम को थोड़ा कम टाइम लगा के मतलब ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, तो वो आप किसको क्या काम देना, ये काम भी जो है वो टास्क इसी तरह से असाइन होता है। टीचर इस चीज को बहुत ध्यान रखती हैं, दैट इज द रोल ऑफ टीचर, जिसके बारे में हम लोग कभी भविष्य में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात करी है कोऑपरेटिव लर्निंग की, किस तरह से कोऑपरेटिव टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की, सिमिलरली वी हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलैबोरेटिंग लर्निंग की क्या होती है। तो इसमें भी आपका जो है पेरेंटिंग इन कोलैबोरेशन है, आपका वॉलंटरी जो आप बात कर रहे थे कि कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप है, वॉलंटरी है, यहाँ पे किसी को जो है फोर्सफुली जो है किसी टास्क को करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लें कि आपने एक बहुत बड़ा पेड़ बनाना है और उस पेड़ को कलर करना है, तो टीचर क्या करती है कि उसने एक बड़ा सा जो है उसका कटअप काट लिया, कटआउट दे दिया उन्होंने, और उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो बच्चों को दे दिया असेंबल करने के लिए, असेंबल करने के लिए, उसको कलर करने के लिए। तो यहाँ पे अब उन्होंने कह दिया कि ये कलर जो आपका करना है, अब वो टास्क तो दे दिया गया ग्रुप को, अब ग्रुप जो है वो अपने आप ब्लेंटली जो है वो रिलेशनशिप अपने बनाएगा, किसको करना है, कहाँ करना है, कौन सा करना है, कैसे करना है, वो आपस की उनकी अपनी स्ट्रेटजी सहमति होगी। हाँ, कि कौन सा बच्चा कलरिंग में अच्छा है तो वो एक ब्रांच को जो है ग्रीन कलर से कलर कर देगा, कौन सा बच्चा असेंबल करने में अच्छा है, तो ये आपस में एक ग्रुप बन गया और वो ग्रुप में एक सॉलिडैरिटी होती है, है ना, एक जुटता होता है, म्यूचुअल है, म्यूचुअल गोल्स हैं, तो इसमें शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, इसमें शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी आएगी। जी हाँ। ऐसा नहीं है कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है जी, आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी है, सबकी जिम्मेवारी है। इसलिए जब अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी तो भी सब अकाउंटेबल होंगे, शेयर्ड रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज है वो भी सब जो है वो शेयर्ड होंगे, सब एक जगह से ही रिसोर्सेज को यूज करेंगे, तो जो ये आप अपना मेरा प्रायः आपका जो है वो चीज़ खत्म हो जाती है। जो आपने बताया कि सोशल रिलेशनशिप जो है वो यहीं से ही जो है सोशल स्किल्स, सोशल कैपेसिटी, ये यहीं से इन सारे स्ट्रैटेजी से वो डेवलप होते हैं बच्चों में, जो कि हमारे आगे के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम समावेशी इसी आधार पर ही हम बात कर सकते हैं, केवल हम अगर बात करें कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को समावेशी बनानी है तो उससे नहीं होता, हमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने पड़ते हैं। इसीलिए तो हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि अगर एक बार कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट के बाद कैसे होगा, तो उसके लिए पॉलिसीज आई, पॉलिसीज के बाद पॉलिसीज किस बेस पे आई कि हमारे लिए ये सिग्निफिकेंट क्यों है, जब पॉलिसीज आई तो ये देखा गया कि बेनिफिट क्या है और उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, दैट इज द स्ट्रेटजीज। तो उन स्ट्रेटजीज में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज द पीयर ट्यूटरिंग। और देखिए, मैंने आपको बोला कि जैसे आप नाम पढ़ेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं कुछ आइडिया हो जाएगा। पीयर ट्यूटरिंग मतलब कि यहाँ पे टीचर नहीं पढ़ा रहा है, मगर टीचर चिल्ड्रन ही चिल्ड्रन को पढ़ाएगा। अब चिल्ड्रन ही चिल्ड्रन को पढ़ाएगा का मतलब क्या हो गया कि देखिए, जैसे मैम ने अभी अभी थोड़ी देर बताया कि कोई बच्चे जो सीखने में थोड़ा देरी से सीखते हैं, स्लो लर्नर, तो कई बच्चे ऐसे भी जो हैं जो जल्दी सीख जाते हैं। बिल्कुल। तो जो बच्चे जल्दी सीख जा रहे हैं, और क्योंकि एक टीचर के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर एक बच्चे को जो है वो डिफरेंट रेमेडियल टीचिंग दे पाए, तो उन्होंने उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया कि जो उसको जो है वो सिखा सकता है। तो और ये भी नहीं है कि मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ तो हर बार मैं ही सिखाऊंगी, नहीं, मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ इसलिए इस बार मैं ट्यूटर हूँ, दूसरा बच्चा जो है वो सीख रहा है, जबकि उल्टा हो सकता है अगले सब इसमें जो पीरियड है कि उस पीरियड में हो सकता है वो अच्छा है, मैं डाउन हूँ तो वो मुझे सिखाने लग जाएगा। तो इसलिए इससे जो सबसे बड़ी बेनिफिट होती है कि एक तो सब में कॉन्फिडेंस बन रहा है, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और इट एस्टेब्लिश ए रैपिड विद द
ड्यूटी इन ए वे दैट अ टीचर कैन नॉट, तो जो आपका बच्चा जब सिखा रहा है, देखिए मैं अगर किसी, मैं तुमसे जितने कंफर्टेबल होके बात कर सकती हूँ वो मैं अपने प्रिंसिपल से होके नहीं बात कर सकती उतने कंफर्ट, तो वही बच्चों के साथ है, बच्चे अपने पीयर ग्रुप में जितने अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को बता पाएंगे वो जो है वो अपने टीचर को शायद ना बता पाए, तो यहाँ पे जो एक रैपर्ट बनता है वो भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एनहांस होता है। एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर एक स्टूडेंट स्टूडेंट या यू कहे पीयर पीयर एक रैपो बनता है, एक रिलेशनशिप बनता है जिससे बच्चे आपस में एक कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। और उसमें भी देखिए आपकी, जब आपका रैपर्ट बन रहा है, आपका रैपो बन रहा है, आपका बॉन्ड बन रहा है, तो डेफिनेटली इट विल डेवलप ए बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। बिल्कुल, फिर आपकी वो दोस्ती हो जाती है। और फिर आपकी दोस्ती होने का फायदा ये होता है कि जब आपको टीचर कह रही है, जब आपका पीयर ट्यूटरिंग प्रोग्राम चल रहा है तब तो आप कर ही रहे हैं, उसके बाद भी, क्लास के बाद भी आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं असिस्ट करते रहेंगे, बिकॉज नाउ इट्स नॉट ए ड्यूटी बल्कि ये आपका एक बॉन्ड बन गया है, ये दोस्ती है आपकी। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये होता है कि कहते हैं कि शिक्षा जो है जितनी बांटी जाती है उतनी ज़्यादा ही आती है, और ये मैंने अपने आप में एक्सपीरियंस किया है। कुछ कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते थे उस टाइम हमें क्लियर नहीं होते थे, और वो कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ाने लगे तो वो पढ़ाते वक्त इतने क्लियर हो गए, तो मैं सोचती थी कि अरे उस टाइम क्यों नहीं समझ में आया। तो ट्यूटर प्रैक्टिसिंग जो है वो आपकी वो दैट वो जो लर्निंग है उस जो टीच कर रहा है उसकी लर्निंग को भी इन्हांस करता है, क्योंकि वो अपने आप में ही प्रैक्टिस हो रही है उसकी, उसका रिवीजन हो रहा है। अगर वो सिखा रहा है तो वो रिवाइज भी तो कर रहा जी है, हाँ, जी, तो वो वहाँ पे उसको भी बेनिफिट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अगर सिखा रहा है तो जी उसका टाइम खराब हो जाएगा या उसका कुछ हो जाएगा, नहीं, उसको भी बेनिफिट मिल रहा है, वो उस चीज को प्रैक्टिस कर रहा है, वो उसके उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। बस यहाँ पे एक टीचर के पार्ट पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब वो पीयर ट्यूटरिंग कराते हैं या अपने किसी क्लास के जो मेधावी छात्र हैं उनको बोलते हैं कि जो स्लो लर्नर है उन्हें वो थोड़ा असिस्ट कर दे पढ़ाने में। यहाँ पे टीचर को थोड़ा बड़ा शटल वे में उनको ध्यान देना होता है कि एक डोमिनेशन और डोमिनेटेड की फीलिंग ना आए आपस में। बिल्कुल, तो इसीलिए रोल चेंज ऑफ रोल्स करते रहना चाहिए कि कभी आप ट्यूटर बने, कभी कोई दूसरा बच्चा ट्यूटर बन गया, और अगर जो सीखने वाला जो बच्चा है जो सीख रहा है वह अगर अच्छे से सीख गया तो कभी वो अपने सहपाठी को भी वह भी ट्यूटर बन जाए और दूसरा बच्चा ट्यूटी बन जाए। जैसे मैं भी तो आपसे बात कर रही थी कि हो सकता है भाई मैं अभी मैं एक सब्जेक्ट में अच्छी हूँ, दूसरा दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा, तो उनको ऑटोमेटिकली ही मौका मिलेगा। इसी तरह से अगर किसी और डिसेबिलिटी की बात करते हैं, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सिर्फ अपना लर्निंग के गैप की बात, कि स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, एवरेज लर्नर है, मगर इसके अलावा भी हो सकता है कि किसी का, जैसे आपने बोला कि किसी को कलर करना अच्छी नहीं आता, किसी को ड्राइंग करना अच्छी नहीं आती हो मगर उसे मैथ अच्छा आता हो, सिमिलरली और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मगर आप कहीं ना कहीं उनका रोल चेंज करेंगे तो जो आपने कहा कि किसी एक में कोई हीन भावना और किसी एक में जो सुपीरियर भावना है वो नहीं आनी चाहिए, तो वो डेफिनेटली वहाँ पे जब रोल चेंज होता रहेगा तो नहीं आएगी। और यहाँ मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो सारे प्रैक्टिसेस हैं, कोऑपरेटिव टीचिंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग या इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, एक शिक्षिका को, एक टीचर को बड़े ही शटल्टी से और बड़े ही सावधानी पूर्वक इन सारे प्रैक्टिसेस को थोड़े ना थोड़े अपने क्लास में इंक्लूड करना है। ये ना समझे आप लोग कि पीयर ट्यूटरिंग करना है तो केवल पीयर ट्यूटरिंग करेंगे, कोलैबोरेटिव करना है तो कोलैबोरेटिव करेंगे। यह एक टीचर को इंडिपेंडेंसी दी जाती है कि आप किस टास्क के लिए पीयर ट्यूटरिंग कराएंगे, किस एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आप कोलैबोरेटिव कराएंगे, या कहां पे आप इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन देंगे किसी बच्चे को उसके अनुसार। तो ये स्ट्रैटेजी जो है बहुत सारी चीजों में ब्लेंड ऑफ स्ट्रेटजीज हमें करनी पड़ती है और करना चाहिए अगर हम इंक्लूसिव क्लासेस की बात करते हैं। हाँ, समझने के लिए एक एक है जी जी, मगर जब करेंगे एज पर द नीड, एज पर द डिमांड, और जो आपका टॉपिक है उस पे मैटर करता है, क्लास पे मैटर करता है, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स की जिनकी वजह से वी हैव टू डिसाइड। तो वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसे ये डिसाइड करना है कि उसको किस टाइम पे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है। अगली स्ट्रैटेजी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द असेसमेंट, और असेसमेंट पर सुनते ही कहीं ना कहीं दिमाग में ये आता है कि हाउ इट कैन बी स्ट्रैटेजी, ये तो इवैल्यूएशन का काम है, मगर नहीं, असेसमेंट कैन बी ए स्ट्रैटेजी।
हम लोग बहुत देर से बात करते जा रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन डायग्नोस्टिक या बिल्कुल असेसमेंट एज ए स्ट्रेटजी इज ए डायग्नोस्टिक इट कैन बी एवेल्युएटिव बट यहाँ पे जब हम स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो इट कैन बी अ डायग्नोस्टिक स्ट्रेटजी ताकि हम लोग ये बात कर सकें जो मैम बात कर रही थी कि किसको क्या टास्क देना है किसकी क्या खूबियां हैं किसमें क्या वीकनेस है किसमें जो कौन सा टॉपिक में हमें किसे ट्यूटर बनाना है किसे हम लोगों ने ट्यूटी बनाना है तो हाउ वन बी वन कैन नो तो जो हमने बात करा कि हम लोग सब चीज़ों का ब्लेंडिंग जो है वो यूज़ करते हैं तो असेसमेंट एज ए स्ट्रेटजी भी हमें यूज़ करनी पड़ती है और आपका जो है देखिए आई थिंक नाउ इट्स क्लियर अगर आपके दिमाग में असेसमेंट पढ़ते ही सबसे पहले क्लियर ये आया होगा कि असेसमेंट हाउ इट कैन बी अ स्ट्रेटजी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों है असेसमेंट एज ए स्ट्रेटजी और इट शुड बी कंटिन्यूस ये कंटिन्यूस होनी चाहिए इट इन्वॉल्व क्या क्या करेंगे इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे इंडिविजुअली ऑब्जर्वेशन होती है क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन होती है पार्टिसिपेटेड ऑब्जर्वेशन हो सकती है नॉन पार्टिसिपेटेड ऑब्जर्वेशन हो सकती है आप क्लासरूम के अंदर बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लासरूम के बाहर भी बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि जो स्टूडेंट है वो हम लोगों को स्कूल के बाद मिलते ही नहीं है मिलते हैं और जब वो बाहर मिलते हैं तब भी हम लोग उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उनका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं उस इंफॉर्मेशन के बेस पर जो है बाकी स्ट्रैटेजीज जो है वो मैटर करती हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्लूसिव एजुकेशन हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं जिसमें कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट की हमारे बच्चे की क्या नीड है क्या उसकी वीकनेसेस हैं क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं और वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है उसे हमसे क्या चाहिए बिल्कुल सही बात है तो जब हम असेसमेंट बताते हैं असेसमेंट एज ए स्ट्रैटेजी तो ये डायग्नोस्टिक हो गया आप एक पोर्टफोलियो बना के बच्चे के नीड्स बच्चे के खूबी क्या है कैपेसिटीज़ कैपेबिलिटीज़ कहाँ बच्चा अच्छा कर रहा है कहाँ वो पीछे हो रहा है तो हम इसे असेस करते हैं तो जब हम इस तरह से असेसमेंट करते हैं तो ये जो सारी स्ट्रैटेजीज़ हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारे प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन करे क्लासरूम प्रैक्टिसेस में और हमारे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में हमारे संस्थाओं में तो इसलिए सरकार की क्या भूमिका हो जाती है उसे हमें समझना जरूरी हम लोग क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो मैं चलते चलते सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगी कि रोल ऑफ गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो उन्होंने करे हैं वो हम बात करेंगे दैट इज द इंक्लूजन ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन IEDC 1974 जिसमें जो है इन्होंने प्रोविजन दिया था कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको मिलनी चाहिए विद स्पेशल एजुकेशनल इन रेगुलर स्कूल्स इन रेगुलर बिल्कुल यहाँ पे 74 में रेगुलर स्कूल्स की बात आई है और समय के अभाव की वजह से मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी बताऊंगी मैं बता दूं उसके बाद NP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हम बोलते हैं जो 86 में जो आई है वो एक बड़ा ही ठोस कदम लेके आई थी इंक्लूसिव एजुकेशन के और यहाँ पे जो मैं बात बड़ी देर से लोगों के साथ कर रही हूँ यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो बच्चे मॉडरेट आपके सीवियर और मॉडरेट हैं वो तो आपके अलग सेग्रेगेटेड स्कूल्स में होने चाहिए जबकि माइनर वाले जो है वो रेगुलर स्कूल्स में इनकॉर्पोरेट होंगे बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास RCI Act 1992 है जो इसकी बात करता है कि किस तरह से हमारा जो स्टैंडर्ड्स ऑफ रिहैबिलिटेशन है क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उन स्टैंडर्ड्स को जो स्पेशल एजुकेशन टीचर ट्रेन जो उन बच्चों को पढ़ाएंगे उनके लिए भी वो स्टैंडर्ड्स रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक रजिस्टर मेंटेन करती है कि हमारे यहाँ कितने डिसेबिलिटीज डिसेबल पॉपुलेशन है और उसके अकॉर्डिंगली वो टीचर एजुकेशन जो है जो स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं उन्हें वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उनको क्या सेट मतलब किन स्टैंडर्ड्स पे पूरा होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं इसके साथ ही बात करते हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1990 की जो कि बात करता है आपका जो वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी है मेंटल रिटार्डेशन है यस और ये इनके ये पर्टिकुलर देखिए ये आपका पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के साथ बात कर रहा है डिसेबिलिटी की बात कर रहा है जबकि हम लोग बात करेंगे अगर नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 की तो ये भी आपकी बात करता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की इसके बाद है हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009
जो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक नहीं है, ये राइट जो है वो बात करता है इंक्लूजन की, जो बात हम लोग स्टार्टिंग में कर चुके हैं कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपका राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016, जो आपकी डिसेबिलिटी जो पहले आपकी उसको थी, बढ़ा दिया, उनको बढ़ा दिया गया। पहले हमारे पास 7 डिसेबिलिटीज थी, जो कि इंक्रीज आपकी 21 हो गई। और आपका जो इसमें जैसे हम बात कर रहे थे, ईसीसी टीचर्स का अपना रोल है, मैनेजमेंट का अपना रोल है, स्टेक होल्डर्स हैं सारे, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका अपना अपना रोल है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है हम ये समझ लें कि चाहे टीचर हैं, चाहे पेरेंट है, चाहे कम्युनिटी है, चाहे आपका मैनेजमेंट है, जो भी स्टेक होल्डर है, उनका रोल ये बनता है कि हम लोग जो है उनके प्रति एम्पैथेटिक हों और हम लोग वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है सिस्टम की वो वहाँ पे प्रोविज़न किया जाए, जो पेरेंट्स हैं उनको अवेयर कराया जाए इनके बारे में, जो पॉलिसीज़ हमें चीज़ें दे रही हैं उन चीज़ों के बारे में वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करी जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो इंक्लूसिव फ्रेंडली इन्वायरमेंट वहाँ पे दिया जाए, ताकि किसी भी बच्चे को वहाँ पे कोई भी परेशानी ना हो। इसी के साथ हम लोग चर्चा को समाप्त करते हैं, अगली चर्चा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद धन्यवाद योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।